हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 10 साल की बच्ची के लिए टॉप बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने नेट ली है और ये नेट हमारी बची हुई है। और ये मैंने प्लेन कपड़ा लिया है, सूट का बचा हुआ था। और ये कपड़ा हमारा 1 मीटर है। तो सबसे पहले हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे, तो कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ से हम सीधी कटिंग कर लेंगे ऊपर की तरफ। फिर हम नेट को लेंगे और जो नेट की सीधी साइड है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे। और रखने के बाद नेट को हमें आधा इंच नीचे बढ़ाकर रखना है और कपड़े को भी हमें आधा इंच ऊपर बढ़ाकर रखना है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो अब हम टॉप की लंबाई नापेंगे। टॉप की लंबाई हमारी 20 इंच है, जिसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ पर देखिए निशान लगाकर लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने निशान लगा लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम पल्ले को इस तरह से खोलेंगे और जो हमारी नेट है उसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से पहले सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के लिए यहाँ पर देखिए हम पेपर को लेंगे और पेपर को यहाँ पर 1 इंच चौड़ा इस तरह से काट लेंगे। और काटने के बाद हम यहाँ पर इसको रख के सिलाई लगाएंगे। पेपर को रखने के बाद सिलाई लगाएंगे तो हमारी सिलाई अच्छे से लग जाएगी। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है और जो हमारा पेपर है उसको हम निकाल देंगे। तो अब हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो अब हम गले की चौड़ाई नापेंगे। गले की चौड़ाई हमारी 4 इंच है। तो 4 के आधे हुए यहाँ पर 2 इंच। तो 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर अब हम गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई 4 इंच लेंगे। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई कर देना है। इस तरह से देखिए। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि यहाँ आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अब हम शोल्डर नापेंगे। शोल्डर यहाँ पर हम 3 इंच लेंगे। तो 3 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। और यहाँ पर आर्महोल की लंबाई 5 इंच लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 5.5 इंच पर इस तरह से लाइन खींच देंगी। यहाँ पर देखिए हम चौक से निशान लगा लेंगे। और 1/2 इंच पर इस तरह से आर्महोल की गोलाई कर देंगे। तो अब हम सीने की चौड़ाई नापेंगे। सीने की चौड़ाई हमारी 14 इंच है। तो 14 के आधे हुए 7 इंच। तो 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। और हिप की चौड़ाई भी हम 14 इंच लेंगे। तो 14 के आधे हुए 7 इंच। तो 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हम कमर की चौड़ाई नापेंगे। कमर की चौड़ाई हमारी 13 इंच है। तो 13 के आधे हुए 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है। फिर देखिए तीनों निशान को इस तरह से मिला देंगी। फिर हम यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेंगी। और इस तरह से निशान लगा लेंगी। तो इस तरह से देखिए हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगी। तो देखिए हमने गले की कटिंग कर ली है। शर्ट में भी हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है इस तरह से।
तो अब हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। कपड़े को देखिए अच्छे से बिछा लेना है दो लेयर में। तो हमने कपड़े को दो लेयर में बिछा लिया है, तो अब हम आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रख लेंगे। और रखने के बाद हम आगे वाले पल्ले के ही नाप से निशान लगा लेंगे। गले की लंबाई भी हम आगे वाले पल्ले के ही नाप से रखेंगे। इस तरह से सेम निशान लगा लेना है। फिर हम आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है, तो अब हम पल्ले को खोलेंगे और आगे वाले पल्ले को लेंगे। देखिए इस तरह से, और आगे वाले पल्ले की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और पीछे वाला पल्ला है उसकी सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। फिर देखिए हमें एक शोल्डर सिल लेना है। पेपर की मदद से हमें इस तरह से शोल्डर को सिल लेना है। तो हमने सिलाई लगा ली है देखिए इस तरह से, और पेपर को यहाँ से निकाल भी देंगे। तो अब हम टॉप को उल्टा रखेंगे देखिए इस तरह से, और रखने के बाद पहले और भी पट्टी कटिंग कर लेंगे। दो या ढाई इंच चौड़ी हमें पट्टी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हम दो पट्टी कटिंग करेंगे पहले। तो इस तरह से देखिए हमने दो पट्टी कटिंग कर ली है। यहाँ पर इसको इस तरह से रखे सिलेंगी देखिए इस तरह से। तो हमने पट्टी को सिल लिया है, तो अब हम पट्टी को यहाँ से सीधा करेंगे। फिर देखिए हमें टॉप को लेना है और टॉप को हम उल्टा रखेंगे। और रखने के बाद जो हमने पट्टी कटिंग करी है उसको फोल्ड करके यहाँ पर किनारे पर इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके पूरे गले में हमें सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम पट्टी को सीधी तरफ से इस तरह से फोल्ड करके दाब सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है पट्टी को हमें सीधी तरफ से ही फोल्ड करके सिल लेना है। तो इस तरह से हमने पूरे गले में पट्टी को सिल लिया है सीधी तरफ से। तो अब हम शोल्डर को सिल लेंगे। तो इस तरह से हमने शोल्डर को सिल लिया है। तो अब हम फिर से और ये भी पट्टी लेंगे दो इंच चौड़ी। टॉप को हमें उल्टी तरफ रखना है और पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है।
तो इस तरह से हमने पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम पट्टी को सीधी तरफ से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगी। और सेम ऐसे ही हमें दूसरे आर्म होल पर भी पट्टी को सिल लेना है। इस तरह से हमने दोनों आर्म होल पर पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम टॉप की फिटिंग करेंगे। जहाँ पर निशान लगा है वहीं पर हमें सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई हम यहाँ पर डबल लगाएंगी। तो देखिए इस तरह से हमने एक तरफ से सिलाई लगा ली है और सेम ऐसे में दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। 1 इंच कपड़ा छोड़ के सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हमने 1 इंच कपड़े को छोड़ के सिलाई लगाई थी। तो अब हम नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगी। कपड़े को हमें उल्टी तरफ से फोल्ड कर लेना है 2 बार में और फोल्ड करके इस तरह से दाब सिलाई लगा लेंगी। तो इस तरह से हमने नीचे की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और हमारा टॉप देखिए सिल कर तैयार हो गया है। और ये टॉप हमने 10 साल की बच्ची के लिए बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।